ठीक है, आज हम एक मॉड्यूल है CA888। तो इस मॉड्यूल को जब इस जो मॉड्यूल है ये 5 वायर का मॉड्यूल आता है STR में, तो STR में मॉड्यूल आता है और इसका यूज हम करते हैं जब हमारी कोई सप्लाई डेड हो जाती है। सप्लाई डेड हो जाती है जब उसका MOSFET या उसकी ऑक्सीडेटर IC नहीं मिलती है, तब हम इस 5 वायर मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने लगा दिया है फोटो कि किस टाइप का है दिखने में। इसकी जो डिटेल है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि जो कौन कौन से वायर होते हैं और वो कहाँ कहाँ हमें लगाने हैं। जैसे नीला वायर है वो हमें 300 वोल्टेज जहाँ मिलते हैं मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगाना है। सफ़ेद वायर हमें ओके को प्रयोग के पिन नंबर 4 पे, लाल जो है हमें प्राइमरी साइड कैपेसिटर के 50 वोल्टेज पे लगाना है कैपेसिटर पे, और ये ग्राउंड कर देना है हमें। ठीक है, और ये वायर जो है हमारा ड्रेन पे लगाना है, ड्रेन पर। कुछ हमें प्रिकॉशन भी लेने हैं, जैसे कि जब हमारा कोई MOSFET या IC खराब हो जाती है तो MOSFET हटा देना है, उसके साथ साथ उसकी ड्राइवर IC को भी हटाना है। ये दोनों चीज़ हटाने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें बहुत सारी जगह हमने देखी है कि पूरी वीडियो में भी ये नहीं मिलता कि इसका यूज़ तो बता देते हैं लेकिन वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं करता है। तो हमें ध्यान रखने ये वाली बात रहेगी इसमें कि जो ऑप्टो कॉपलर IC रहती है हमारी सर्किट के अंदर, उसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड करना ही करना है, साथ में पिन नंबर 4 को, इसकी पिन नंबर सफ़ेद जो कलर है ये वाला, इसके साथ में अटैच करना है। और दूसरा इसके साथ में हमें प्रिकॉशन क्या लेना है कि सर्किट से इसको चिमटी से पिन नंबर 4 को उठा लेना है। ठीक है, पिन नंबर 4 को उठा लेना है या सर्किट से उसको कट कर देना है। अगर कट नहीं करेंगे तो ये मॉड्यूल आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पिन नंबर 4 को लगाने के बाद सर्किट से उसको अलग करना ही है, नहीं करेंगे तो ये मॉड्यूल आपका वर्किंग पोजिशन में नहीं आता। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि मॉड्यूल काम नहीं करता है। ठीक है, अब ये कैसे लगाया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली, ये एक ऑन बोर्ड है हमारा, कॉम्बो बोर्ड है, एक ऑन बोर्ड है। इसके अंदर एक MOSFET हमारा ख़राब है, ये हटा दिया है। इसकी एक ड्राइवर IC है, ये हमने हटा दी है यहाँ से एक ड्राइवर IC हटा दी हमने, और एक MOSFET हटा दिया है, और साथ में एक ऑप्टो कॉपलर के साथ में हमें कुछ फेर बदल करने, इसीलिए हमने ऑप्टो कॉपलर को 3-4 वायर लगा के आपको दिखाने के लिए हमने एक सर्किट बना लिया है इसका। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है प्रॉपर वो हम आपको इसमें बता देते हैं लगा के, और आपका जो भी ये सर्किट है जो इसकी जिसकी वजह से डेड हुआ है वो चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी, सर्किट आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बता दें आपको कैसे लगाना है ये।